लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल करवट बदलती दिख रही है। सभी एग्जिट पोल भी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को भाजपा पर भारी पड़ता हुआ दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को मोदी लहर के कारण 73 सीटें मिली थी। वहीं सपा को 5, कांग्रेस को 2 और बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। देश के सबसे बड़े राजनीतिक नजरिए से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को टक्कर न सिर्फ SP-BSP गठबंधन से बल्कि कांग्रेस से भी है। वहीं इस बार कुल 80 सीटों में से महागठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिल रही है। बीजेपी 22 सीटों पर सिमट रही है। वहीं खबर आई थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी सोमवार को दिल्ली जा सकती हैं। बताया जा रहा था कि दिल्ली में वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, जिसमें वह 23 मई को आने वाले नतीजों को लेकर चर्चा कर सकती हैं। हालांकि BSP महासचिव ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा है कि सोमवार को मायावती दिल्ली नहीं जा रही हैं, वह लखनऊ में ही रहेंगी। उनका दिल्ली जाने का न तो कोई प्रोग्राम है और न ही कोई मीटिंग प्रस्तावित है। जाहिर है कि काउंटिंग के पहले यह मुलाकात चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने से जुड़ी होगी। बातचीत में चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनने की स्थिति में इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू का बड़ा हाथ है। नायडू ने हाल ही में महागठबंधन बनाने को लेकर विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी। नायडू ने इस दौरान शनिवार को राहुल गांधी और मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि यदि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो यह एक बड़ी बात होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। रविवार को मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों, किसानों, देश और भाईचारे की बात करने वाली पार्टियां 23 मई के बाद देश को नया PM देने का प्रयास में है। इसके लिए TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।